हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे इज आवर गुजराती क्लास एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्वर। हम आगे स्वर में पढ़ेंगे और पहले थोड़ा हम रिवाइज करेंगे। एवरी टाइम हम रिवीजन थोड़ा थोड़ा करेंगे, ओके स्टूडेंट्स, ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन में हेल्पफुल रहे और आपको अच्छी तरह से आप याद कर सके, ओके। तो गुजराती स्वरों अ थी अह, बट टेंशन नहीं लेना है अगर बुक नहीं आई है। वी हैव टू स्टार्ट इन आर नोटबुक ओनली फर्स्ट, ओके। गुजराती स्वरो अ थी अह, सो लेट्स रिवाइज वंस अगेन। अ के पास एक लाइन आएगी आ ई ई उ ऊ रू ए आई ओ औ अंग अह। हो गया आप सबको याद? हमने लास्ट टाइम भी किया था ना, ये कौन सा लेटर है बच्चों? अब तो आप सबको पता चल गया ना। यस, ये कौन सा है? अ अ अनानस नो अ अ अजगर नो अ। आ गया समझ में? और ये है आ आ आ आग्नो आ आ आमलीनो आ। हमने नोटबुक में भी लिखा अ, उसी तरह से अ लिखना है और उसके पास लाइन करनी है आ आमलीनो आ आ आग्नो आ। तो बच्चों आज हम न्यू लेटर भी सीखेंगे। ये कौन सा है लेटर? ई। कौन सा है? ई ई ईयर नो ई। ईयर को हम क्या बोलते हैं? कैटरपिलर। क्या बोलते हैं? कैटरपिलर। और ई इमारत नो ई बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स को हम क्या बोलते हैं? इमारत। ई ईयर नो ई ई इमारत नो ई। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, ई ईयर नो ई ई इमारत नो ई। एंड दूसरा वर्ड है बड़ा ई ई ई ईंट नो ई। ईंट को क्या बोलते हैं हम? ब्रिक। यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं ईंट। ईंट किस में काम आती है? बिल्डिंग्स बनाने में, हाउसेस बनाने में आती है ना। आप सबने कंस्ट्रक्शन तो देखा होगा कि ईंट यूज होता है कंस्ट्रक्शन वर्क में। एंड ई ईद का ई ईद, ये है मुस्लिम फेस्टिवल ईद, है ना। ईद ई ईद नो ई ई ईट नो ई। तो बच्चों आ गया समझ में? हमने आज फोर लेटर्स किए। कौन से? अ आ ई ई। तो वंस अगेन हम रिपीट करते हैं फर्स्ट से, ओके। अ से हम वापस से रिपीट करते हैं। अ अनानस नो अ अ अजगर नो अ। आ आमली नो आ आ आग नो आ। ई इमारत नो ई ई ईयर नो ई। ई ईंट नो ई ई ईद नो ई। आ गया समझ में? ये फोर लेटर्स आपको रिवाइज करने हैं बार बार, ओके। ये फोर लेटर रिवाइज हो जाएं उसके बाद हम नोटबुक में लिखेंगे। तो फटाफट अपनी नोटबुक और पेंसिल निकालो बच्चों। तो चलो बच्चों हम फिर से रिपीट करेंगे ए, बट लिखना हमें दूसरा वर्ड है। एक पेज में हमने अ लिखा था, कैसे लिखा था बच्चों? देखो अपनी नोटबुक में, हमने इस तरह से लिखा था, ऐसे फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ तक इस तरह से लिखा था। गुजराती हमेशा अपर लाइन को टच करेगी, नीचे लाइन को भी टच करेगी, ओके। बट कंपलसरी अपर लाइन को टच करना ही है, ओके। इस तरह से लिखा, फिर दूसरा वर्ड हमने किस तरह से लिखा? ऐसे करके इस तरह से किया। हिंदी का हमने ऐसे दो बना के यहाँ से इस तरह टर्न किया, फिर यहाँ से इसको इस तरह से किया। अ हो गया पूरा। अ वापस से हम करेंगे
ऐसे करके इस तरह से लाइन बना के फिर ये कंपलसरी है करना, ओके। ये जो है ये करना ही करना है, अपर लाइन को टच करना है और ये आना चाहिए, ओके, अ में। और एक लाइन हम स्किप करेंगे, वहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में इस तरह से। फिर दूसरा, फिर इस तरह से हमारा बन गया अ, अ अजगर नो अ, अ अजगर नो अ, ये हमने लिखा था अ एक पेज में लिखा था, अभी सेकंड पेज में हम लिखेंगे आ। क्या लिखेंगे? आ, आ भी हम इस तरह से लिखेंगे, अ तो हमें आ गया, पर फिर से इस तरह से लिखना, फिर से ऐसे करके ये हुआ अ। अ के पास एक लाइन आएगी तो बनेगा आ, इस तरह से आ, ऐसे करके अपर लाइन टच करके फिर बीच में इस तरह से, और एक और आपको ये लाइन बनानी है आ। एक लाइन हम स्किप करेंगे, फिर वापस से ऐसे लिखेंगे, ऐसे करके अ बना, अ के पास एक लाइन बनाई तो क्या बना आ। क्या बना बच्चों? आ, आ आग्नो आ, आ आग्नो आ। फिर हमें वापस से एक लाइन स्किप करनी है, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना है, ओके बच्चों। समझ में आ गया किस तरह से हमें आ लिखना है? आ आग्नो आ, ओके। सो राइट इन योर नोटबुक एंड द सेम आई विल सेंड यू द पीडीएफ। एक पेज में एक ही लेटर हमने अ एक बार लिख लिया, बस अभी नेक्स्ट पेज में हमें लिखना है आ, ओके स्टूडेंट्स। एक एक पेज पे एक एक लेटर लिखेंगे हम, ओके स्टूडेंट्स। थैंक यू।